हेलो गाइस, वेलकम बैक। और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिनके पास चश्मा है, या वो सनग्लास हो, चाहे वो पावर वाला आई ग्लास हो, कोई सा भी चश्मा हो, लेकिन ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम महंगे से महंगा आई ग्लास बनवा लेते हैं, महंगे से महंगा चश्मा बनवा लेते हैं, महंगे से महंगा सनग्लास हम ले लेते हैं, लेकिन हमें उसकी केयर करना नहीं आता है, उसके जिसके कारण हम उसे जल्दी से जल्दी ख़राब कर देते हैं। गाइज, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे अपने आई ग्लासेस को, आप चश्मे को, अपने सनग्लासेस को किस तरीके से आप क्लीन करें ताकि उनके ग्लासेस जो है ख़राब ना हो जल्दी से जल्दी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आगे से आगे लोगों को पता चलता रहे। अगर आपने इस चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर दें। आपके चश्मे से जुड़ी हर चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस चैनल पे। 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, और ये 4th वीडियो है जो आज अपलोड हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है, आई ग्लासेस को किस तरीके से साफ़ किया जाए, इसके दो तरीके हैं गाइस। दो तरीके मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पहला तरीका जो है उसमें आपको थोड़े बहुत पैसे जो है लगाने पड़ सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो एकदम फ्री है। पहला तरीका, उसमें थोड़े बहुत पैसे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। और जो दूसरा तरीका वो एकदम फ्री है, उसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पहला वाला तरीका पहले बता देता हूँ आपको, जो कि आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो गाइस, जिस कंपनी से हम लेंस लेते हैं, चाहे वो एसीलोर हो, चाहे वो MR हो। अब एसीलोर क्या है, एसीलोर बहुत ही बड़ी कंपनी है जो आई ग्लासेस बनाती है, आई के लेंस बनाती हैं, जो नंबर वाले पावर वाले लेंस जो आते हैं वो बनाती हैं। तो ये एसीलोर बहुत बड़ी कंपनी है। और क्रिजाल वगैरह का नाम तो सुना होगा आपने, क्रिजाल के जो लेंस वगैरह आते हैं तो वो भी जो है एसीलोर का ही प्रोडक्ट है। तो एसीलोर हमें एक चीज़ प्रोवाइड करती है हमारे लेंस क्लीन करने के लिए, वो है ये, आप देख सकते हो ये एसीलोर का इस पर नाम है, और ये एसीलोर का प्रोडक्ट है। ये है एक लेंस क्लीनर, ये कंपनी की तरफ से तो फ्री में आता है, इस पर लिखा भी है नोट फॉर सेल, कंपनी की तरफ से फ्री में आते हैं, लेकिन जो दुकानदार होते हैं जहाँ से आप चश्मा बनाते हो, इतने मक्कार होते हैं कि आपको देते नहीं हैं। या तो आप उनसे मांग लिया करें, और फिर भी ना दे तो उनकी इच्छा, क्योंकि कंपनी ने ज़रूरी भी नहीं कर रखा कि आप लेंस के साथ ये चीज़ दो। तो गाइज, ये भी एक लेंस क्लीनर है। अब अगर दुकानदार कोई आपको फ्री में नहीं देता है तो इसके लिए आप 10-20 रुपये पे कर दीजिए, तो शायद वो दे दे। और फिर भी ना दे तो फिर दूसरा तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये एसीलोर का प्रोडक्ट है, इस कंपनी के क्रिजाल वगैरह आते हैं लेंस, बड़े बड़े महंगे महंगे जो लेंस आते हैं नंबर वाले चश्मे के आपके, उस कंपनी का तो ये प्रोडक्ट है। और इस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई आएगी, आपको देख के लेना है। और इसमें होता क्या है कि यहाँ से आप इसे ओपन करना पड़ेगा, देखिए ये यहाँ से ये खुल गया। अब इसके बाद ये एक स्प्रे की तरह काम करता है, ये यहाँ से ये खुल गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये स्प्रे की तरह काम करेगा, ये यहाँ से आप इसे पुश करोगे तो इसमें से जो है ये लिक्विड अंदर है इसका, ये बाहर आएगा आपके सनग्लासेस पे, आपके चश्मे पे आपके गिरेगा। तो वहाँ फिर आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना है, कपड़ा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, कपड़ा एकदम सॉफ्ट हो, और याद रहे कि वो धूल मिट्टी में ना गिरा हो, धूल मिट्टी ना लगी हो उस पर, क्योंकि धूल मिट्टी के कण जो है ना, वो अगर हम चश्मे को उससे साफ करेंगे तो क्या है, उस पर स्क्रेचेस कर देंगे। तो कपड़ा सॉफ्ट हो, क्लीन हो एकदम। तो इसको हल्का हल्का स्प्रे करने के बाद उस कपड़े से आप वन साइड साफ करना है, जैसे कि ऐसे साफ कर रहे हैं तो ऐसे ही साफ करना है, ऐसे से नहीं करना है, इधर ही करना है केवल, फिर नीचे आके फिर इधर ही इस एक ही साइड साफ करना है चश्मे को। अगर ऐसे से आप करोगे तो वो क्या है, स्क्रेचेस उसमें पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वन साइड साफ करना है केवल, इस साइड पे, या फिर इस साइड पे करो तो इस साइड पे, लेकिन एक ही साइड पे साफ करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। एक और चीज़ है मेरे पास जो दूसरी कंपनी की है, वो भी यही है, आई क्लीनर, ग्लास क्लीनर। तो ये है MR का, जापान की कंपनी है, मेड इन जापान। और ये भी जो है एक आई क्लीनर है, ये भी ठीक उसी तरह काम करता है, स्प्रे है वैसे ही जैसे अभी मैंने पहले वाला बताया, आप उसी तरह इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़, ये तो हो गया हमारा पैसों वाला तरीका, पेड़ वाला तरीका। अब आते हैं हम फ्री वाले तरीके में। फ्री वाले तरीके में आपको क्या करना है, फ्री वाले तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो आपका चश्मा है
उसको पानी में टिप करना है। पानी में टिप करने के बाद वही सॉफ्ट वाला कपड़ा लेना है आपको। सॉफ्ट कपड़ा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सॉफ्ट के नाम पे कुछ भी ले लें। नहीं, और बहुत से लोगों की मैंने आदत देखी है, क्या करते हैं वो निकालते चश्मा और अपनी शर्ट से रगड़ के साफ़ कर लिया, निकालते चश्मा रुमाल निकाला उससे साफ़ कर लिया। तो ये सब नहीं होता उसमें, इन सब से आपके लेंसेस जो है जल्दी ख़राब होते हैं। जहाँ आपके लेंसेस एक साल में ख़राब होने होते हैं, वहाँ अगर इस तरीके से आप साफ़ करते हो ना, तो 6 महीने में 3 महीने में ही आपके लेंसेस ख़राब हो जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, ब्लर ब्लर हो जाते हैं और उनसे दिखना बंद हो जाता है, मतलब ब्लर टाइप में थोड़ा दिखने लग जाता है, तो वो ठीक नहीं होता है। तो आपकी ये आदत जो है बहुत गंदी होती है, इस आदत को आपको चेंज करना पड़ेगा। कहीं भी गए और निकाला चश्मा और शर्ट से रगड़ा, हो गया क्लीन, और रुमाल निकाला, हो गया क्लीन। तो ये सब चीज़ें नहीं है क्लीन करने के लिए, क्लीन आपके लिए सॉफ्ट कपड़ा ही रखना पड़ेगा। वो चाहो तो आप अपने जो आपका चश्मा है उसका बॉक्स होता है उसमें कपड़ा रखें अपना, तो जब भी आपको क्लीन करना हो उसी सॉफ्ट कपड़े से करें। तो एक बार पानी में टिप करेंगे आप अपने चश्मे को, उसके बाद निकालेंगे और फिर उस जो सॉफ्ट वाला कपड़ा होगा उससे वन साइड साफ़ कर लेंगे। वन साइड जैसे अभी मैंने बताया उसी तरीके से आपको वन साइड साफ़ कर लेना है, तो आपका स्पेक्स क्लीन हो जाएगा। लेंस क्यों ख़राब होते हैं? लेंस हमारी गलतियों की वजह से ख़राब होते हैं और हम सीधा दुकानदार के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं कि भाई तूने इतना महंगा लेंस दिया, इतना महंगा प्रोडक्ट दिया और इतने दिन में ही जो है ये ख़राब हो गया। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। हम क्या करते हैं, चश्मा हमने पहन रखा है ठीक है, और जैसे ही उतारा कहीं भी उल्टा पटक दिया, उल्टा पटकते जैसे अगर लेंस को उल्टा रखेंगे, अपने चश्मे को उल्टा रखेंगे हम, तो वो कहीं भी रगड़ खाएगा थोड़ा सा भी, तो उसमें स्क्रैच पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन हमें उस टाइम नज़र नहीं आएगा। तो 2-4 बार जब ऐसे हो जाएगा तो फिर जाके हमें नज़र आने लगेगा। तो अब जब भी आप अपना चश्मा यूज़ ना हो, आपको काम में नहीं आ रहा है, तो उसे बॉक्स में ही रखिए जो आपके चश्मे का बॉक्स दिया गया है। आप जानते हो लेंस कितने महंगे आते हैं, क्रिजाल वगैरह, तो क्रिजाल की तो रेट ही स्टार्टिंग 1800 से होती है। 1800 से तो जो वो प्रोडक्ट है जो सबसे लो है, जिसमें सबसे कम फीचर है। अब जैसे जैसे लेंस के फीचर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लेंस जो है महंगा हो जाता है। क्रिजाल के बाद क्रिजाल यूवी आ जाता है, फिर उसके बाद क्रिजाल 40UV आ जाता है, फिर उसके बाद क्रिजाल एयरवेयर आ जाता है, बहुत सारे जो इसके प्रोडक्ट हैं और ये महंगे से महंगे होते जाते हैं। 1800 से स्टार्ट है और देखा जाए तो एयरवेयर पड़ेगा आपके कम से कम 3000 के समथिंग, एयरवेयर लेंस जो है क्रिजाल का वो पड़ जाता है। तो अपने चश्मे की केयर करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आप उसे लंबा टाइम चला पाओगे। तो ये था गाइस आज का वीडियो, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अपने लेंस किस तरीके से, अपने सनग्लासेस और अपने जो है चश्मा किस तरीके से आपको क्लीन करना है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर करें उन लोगों में जो लोग चश्मा पहनते हैं, और जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।